Hello friends, here are some new prepositions for you. Of, for, and regarding. For, reason, purpose, कारण, वजह के लिए हम for का इस्तेमाल करते हैं. I have bought a gift for you. मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूं. He runs 4 kilometers for exercise. वो एक्सरसाइज के लिए 4 किलोमीटर दौड़ता है. यहाँ पे एक वजह है. What does he do for a living? वो जीने के लिए क्या करता है? Can you prepare a cup of tea for me? क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो? To flee for one's life. अपनी जान बचाने के लिए भागना. टाइम के लिए भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. He has been living here for 10 years. वह यहां पे 10 सालों से रह रहा है. I got an appointment for the afternoon. मुझे दोपहर के लिए अपॉइंटमेंट मिला है. We lived there for 6 months. हम वहां पे 6 महीनों तक रहे. Of, किसी चीज को रिलेट करने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ द प्लेस. स्कूल का नाम, माँ का नाम, जगह का नाम. फॉर कलेक्टिव नेम्स, सामूहिक नाम के लिए. बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा. बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों का बैंड. पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड. तो जहां पे कलेक्टिव नेम आते हैं वहां पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. दूसरे कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल. कपल ऑफ टाइम, काफी बहुत समय. मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बना. फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा. हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, कई बच्चे. बास्केट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की टोकरी. पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्कुट का पैकेट. जार ऑफ शुगर, शुगर का यानी कि शक्कर का डब्बा. कप ऑफ टी, चाय का कप. ऑफ का, ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, वह इस किताब का लेखक है. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है. ही वॉज रॉब्ड ऑफ मनी, पैसों का चुराया जाना. कप ऑफ टी, चाय का कप. अब ऑफ रीजन के लिए, जिसे हम से कहते हैं. द पेन इज मेड ऑफ गोल्ड, पेन सोने से बनी है. डाई ऑफ हंगर, भूख के कारण मरना. ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गया. तो यहां पे एक कारण है. नॉर्मल लैंग्वेज में
हम रिगार्डिंग का मतलब उस बात को लेकर या उस पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं. द मीटिंग वॉज हेल्ड रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के प्रोग्रेस पर मीटिंग बुलाई गई उस बात को लेकर. तो रिगार्डिंग का मतलब होता है उस संदर्भ में, उस बात को लेकर या उस पर. फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट. Wait for every Saturday for my new videos. For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.